अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव कर रहे हैं हम। एमसीक्यूज पे सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं, आपने इसमें से करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। सो स्टेटमेंट ए इज द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड एल इज मेजर्ड बाय। इसका मतलब है स्क्वायर है तो हम पहले स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, इसकी लेंथ उन्होंने हमें एल बताई हुई है, तो आपने बताना है कि इसका जो पैरामीटर है उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं। उन्होंने आपको नीचे ऑप्शंस दिए हैं कुछ फॉर्मूला के फॉर्म में। सो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि स्क्वायर के पैरामीटर का फॉर्मूला है क्या। 4 लेंथ है, इनको जब हम ऐड अप करते हैं तो हमारे पास 4L फॉर्मूला आया था। सो आपके पास ऑप्शन में देखिए कि 4L कहाँ पे है। सेकेंड ऑप्शन आपकी है 4L, जिसको आप स्टिक कर देंगे एंड सर्कल कर देंगे और आपके पास 4L आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पर मूव करते हैं बी पे। बी इज इफ एल इज 3 सेंटीमीटर एंड बी इज 4 सेंटीमीटर द यूनिट्स ऑफ पैरामीटर विल बी। एल और बी है, इसका मतलब है 2 लेंथ दी गई हैं तो ये एक रेक्टेंगल होगी, ठीक है। इसमें आपको एल दी और बी दी है और ये दोनों आपको जो लेंथ दी हुई हैं ये सेंटीमीटर में दी गई हैं, ठीक है। तो उन्होंने आपको पूछा भी यही है कि अगर आपके पास लेंथ भी सेंटीमीटर में है और ब्रेथ भी सेंटीमीटर में है तो आपके पास जो पेरीमीटर है पेरीमीटर का यूनिट क्या आएगा, यानी कि पेरीमीटर आप सेंटीमीटर में लिखेंगे या मीटर में लिखेंगे या किलोमीटर में या फिर आप सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे। सो आपके पास जब लेंथ जो है सेंटीमीटर में है दोनों, तो आपका आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन अगर आप कर रहे हो एरिया फाइंड कर रहे हो तो फिर आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। उसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे हम सिर्फ लेंथ को ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। सो हमारे पास सेंटीमीटर में सेंटीमीटर ऐड हो रहा है, लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे हम इसकी एक लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रेथ से, तो फिर आपके पास 2 तरह के सेंटीमीटर जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं। इसलिए यहाँ पे बी का आंसर आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि पैरीमीटर है इसमें सिर्फ एड अप करना है तो आपके पास सेंटीमीटर में ही आंसर आ रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट सी इज द पैरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप इज। आपको उन्होंने एक शेप दी हुई है जो कि 2 रेक्टेंगल से मिलाकर उन्होंने बनाई हुई है, कुछ इस तरह से है। और इसकी आपको उन्होंने लेंथ दी हुई है, यहां से यहां तक जो लेंथ है आपके पास ये है 6 सेंटीमीटर, ये जो हाइट है ये है आपके पास ये लेंथ है 2 सेंटीमीटर, फिर ये जो आपके पास लेंथ है ये है 4 सेंटीमीटर और ये वाली लेंथ है आपके पास गिवन 2 सेंटीमीटर एंड वंस अगेन ये भी 2 सेंटीमीटर है। ऑलराइट, इसका आपने फाइंड करना है पेरीमीटर। सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भी, इसको अगर हम यहाँ पे इनक्लोज कर दें तो इसके सामने वाली जो लेंथ होगी वो भी 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये जो शेप है ये वैसे तो उन्होंने थोड़ी सी आउटवर्ड इसका बल्ज दिया हुआ है, लेकिन अगर आप देखें तो ये 2 सेंटीमीटर है लेंथ, इससे नेक्स्ट वाली ये भी 2 सेंटीमीटर है, इससे नेक्स्ट वाली ये भी 2 सेंटीमीटर है। सो 2 + 2 + 2 = 6, तो इसका मतलब है ये वाली जो साइड है ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे जो बल्ज है इसकी ये वाली लेंथ जो हॉरिजॉन्टल एक लेंथ है वो उन्होंने दी हुई है 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब है इसके सामने ऑपोजिट साइड जो होगी यहाँ पे भी की लेंथ भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। सो अब हम पेरीमीटर फाइंड कैसे करेंगे, इसकी सारी की सारी लेंथ्स को हम ऐड अप कर देंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 6 + 2 + 4 + 2 + 4 + 2 + 6 एंड देन अगेन वंस अगेन +6। सो इन सब को जब हम ऐड अप करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 32 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में गिवन था, हमने यहाँ भी 32 सेंटीमीटर में ही लिखा। सो आपके पास पार्ट सी का आंसर क्या आता है, 32 सेंटीमीटर, जो कि आपके पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, इसको आप टिक कर देंगे। ऑलराइट, पार्ट डी पे मूव करते हैं।
स्टेटमेंट डी इज द पैरामीटर ऑफ द गिवन शेप इज, यहाँ पे आपको उन्होंने दो स्क्वायर्स को थोड़ा कंबाइन करके उन्होंने एक शेप यहाँ पे ड्रॉ करके दी है जिसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर है इस स्क्वायर की और इस वाले स्क्वायर की एक साइड 7 सेंटीमीटर है। क्योंकि दोनों स्क्वायर्स हैं तो इसकी जो सारी साइड्स होंगी वो 10 सेंटीमीटर की होंगी, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। ये 7 सेंटीमीटर का तो इसकी बाकी सारी साइड्स भी 7 सेंटीमीटर की होंगी, 7, 7 एंड 7। अब इसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, ये आपके पास 4 10s हैं, ठीक है, तो 10 को 4 टाइम लिखते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे आपके पास 7 4 times है तो इसको भी आप 4 times लिख देंगे और इनको अब आप कर देंगे एडअप। एडअप करने के पास आपके बाद आपके पास आंसर आएगा 68 सेंटीमीटर। एक तो ये तरीका था कि हमने इनको सबको एडअप कर दिया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि आपके पास दो स्क्वायर है, स्क्वायर 1 लिखें प्लस स्क्वायर 2 लिखें। स्क्वायर 1 का फॉर्मूला क्या होगा 4l, प्लस स्क्वायर 2 का फॉर्मूला क्या होगा 4l। सो यहाँ पे आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट स्क्वायर जो है ये 1 है और ये 2 है। जो फर्स्ट स्क्वायर है उसकी लेंथ आपके पास 10 आ जाएगी, सेकेंड वाला जो है उसकी आपके पास लेंथ क्या आ जाएगी 7। सो 4 10s 40 प्लस 4 7s 28, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 68 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। सो एक ये मेथड है इसका और एक ये मेथड है, जो आपको इजी लगता है वो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आपके पास आंसर इसका आता है 68 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव करते हैं, स्टेटमेंट ई पे। स्टेटमेंट ई इज इफ एल इज द लेंथ एंड बी इज द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल देन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर इज। सिंपली उन्होंने आपको आपसे रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला पूछा है। ये आपके पास एल है, ये आपके पास बी है। वैसे तो आपको भी याद होगा हमने फॉर्मूला इसका ड्राइव किया था 2 into L + B, लेकिन यहाँ से वंस अगेन ड्राइव करते हैं। ये लेंथ है, इसके सामने भी एल होगी लेंथ, ये अगर ब्रेथ है तो इसके सामने भी बी होगी। सो आपके पास यहाँ पर 2L है, आप लिखेंगे L प्लस L, 2B है तो B प्लस B, 2L हो गए आपके पास और 2B हो गए। सो इसमें आपने 2 कॉमन दिया था और L प्लस B आपके पास रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला आ गया था। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे 2 into L + B, जो कि आपके पास लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, इसको आप टेक कर लेंगे। ऑलराइट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। सो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। थैंक यू।